नमस्कार, आप देख रहे हैं आरनाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा स्वराज महज 25 साल की उम्र में ही राजनीति में आई। उन्होंने सबसे पहला चुनाव 1977 में लड़ा और हरियाणा की अंबाला सीट से चुनाव जीतकर वो देश की सबसे युवा विधायक बनी, जिसके बाद सुषमा स्वराज को तत्कालीन चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री भी बनाया गया। वो दिल्ली की सबसे पहली मुख्यमंत्री रही तो देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री बनने का गौरव भी सुषमा स्वराज को ही हासिल हुआ। हालांकि इसके अलावा कैसा रहा उनका सियासी सफर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुषमा स्वराज न सिर्फ जिंदा दिल्ली का पर्याय थी, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। बुलंद इरादे और साफ नियत के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया और इमरजेंसी के दौर में सियासी सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा, और वो साल था 1977। साल 1977 में सुषमा स्वराज ने हरियाणा विधानसभा का अपना पहला चुनाव लड़ा। सुषमा ने चुनाव लड़ा भी और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंची। इतना ही नहीं, सुषमा भारत में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी बनी और उन्होंने तत्कालीन देवीलाल सरकार में सामाजिक कल्याण, श्रम और रोजगार जैसे 8 पद संभाले। अपने राजनीतिक सफर के दौरान सुषमा स्वराज की ख्याति एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी सांसद और कुशल प्रशासक की रही। उन्होंने अपने सियासी दौर में एक सामाजिक सरोकार और लोगों के उत्थान के लिए कई लड़ाई लड़ी और जीती भी, शायद यही वजह रही। 1987 में सुषमा स्वराज को हरियाणा विधानसभा से फिर से चुना गया था। इस दौरान सुषमा 1987 से 1990 तक सिविल आपूर्ति, खाद्य और शिक्षा के पद संभालते हुए कैबिनेट मंत्री रही। इसके बाद अप्रैल 1990 में सुषमा स्वराज को राज्यसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। साल 1996 में सुषमा स्वराज 11वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल की सदस्य बनी। बता दें, सुषमा स्वराज बीजेपी की लौह पुरुष कहे जाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। 90 के दशक में अटल और आडवाणी की छत्र छाया में सुषमा राष्ट्र राजनीति में आई और छा भी गई। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सुषमा दक्षिण दिल्ली से सांसद बनी थी और इसके बाद 13 दिन की अटल जी की सरकार में उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। 1998 में सुषमा स्वराज तीसरी बार 12वीं लोकसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई। 13 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। अप्रैल 2000 में सुषमा स्वराज को दोबारा राज्यसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। साल 2000 से 2003 तक उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद संभाला। हालांकि इस दौर को उनकी शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये वो वक्त था जब पहली बार देश की राजनीति में पूरी तरह से वो सक्रिय दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने बतौर केंद्रीय मंत्री कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर जन कल्याण में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। यही वजह थी कि साल 2006 में सुषमा स्वराज को राज्यसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो इसके बाद 2009 को वो अपनी काबिलियत पर छठी बार लोकसभा की सदस्य चुनी गई और इसके अलावा जून 2009 को विपक्ष की उपनेता भी रही। हालांकि साल 2014 में मोदी लहर के भीतर वो 7वीं बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची और देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विश्व पटल पर कई गंभीर विषयों को लेकर विरोधियों को आईना भी दिखाया, तो देश के भीतर उनके राजनीतिक धुर विरोधी भी उनकी बेबाकी के सामने फीके नजर आए। यही वजह है कि उनके निधन के बाद आज देश ने सुषमा स्वराज के रूप में
न सिर्फ एक राजनेता बल्कि एक महान शख्सियत को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।